यानी सौर। तो सौर वालों की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पोजीशन है सौर वालों की। इनका एसेंडेंट थोड़ा सा वीक है क्योंकि राहु पड़ा हुआ है एसेंडेंट में, और इसका लॉर्ड भी जो है वो आठवें घर में है, तो थोड़ा सा एसेंडेंट वीक है। तो लिहाजा कोई ऐसी फिक्रमंदी की बात नहीं है। इसके लिए ये होता है कि जब भी आप निकलें एक सदका सफ़ेद चीज़ का, जैसे अंडा है, चावल है, चीनी, कुछ भी आप थोड़ा सा अपने पैसे घुमा के सदका दे के आप निकल जाएं, तो इंशाल्लाह ताला महफूज रहेगा। तो एसेंडेंट थोड़ा सा वीक है, बाकी इनका जो दूसरा घर है खाना माल जो है वो बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। जो लोग करेंसी का काम, पैसे के लेन देन का काम, जो लोग बैरून मुल्क से जो करेंसी का काम करते हैं, बैरून मुल्क से पैसे के लेन देन का काम करते हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छी पोजीशन देख रहा हूँ, बहुत ताकतवर पोजीशन देख रहा हूँ उनके लिए। तो इसी तरह जो कोई नए मुहदे आप करना चाहते हैं, नए एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ये मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, तो दूसरा घर की ये तमाम मनसूबात जो होती हैं वो दूसरे घर की होती हैं। ज़ाहिर है जब दूसरा घर ताकतवर है तो आप जो भी मनसूबात इसमें करेंगे इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह तीसरा घर जो है वो उसका भी पोजीशन बहुत मजबूत है तीसरे घर की, क्योंकि तीसरे घर का लॉर्ड मून जो है वो भी नामे घर में, तो कोई डोमेस्टिक, कोई अंदरून है, कोई ऐसा कोई कारोबार, कोई नया कोई सिलसिला, कोई इस तरह की कोई सूरत हाल अगर बनाना चाह रहे हैं तो वो भी उसमें भी आपको कामयाबी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, मुलाजमीन आपका बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत अच्छी पोजीशन है तीसरे घर के हवाले से। अब हम आ जाते हैं चौथे घर की तरफ। तो चौथा घर बहुत मजबूत है, चौथे का लॉर्ड भी नामे पड़ा हुआ है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना वो इसी हवाले से होती हैं चौथे घर के हवाले से। चौथा घर वालदा के हवाले से भी होता है, और चौथा घर जो होता है प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, नई गाड़ी, नई सवारी, नई चीज़ें अगर आप कोई बनाना चाह रहे हैं तो चौथे घर के हवाले से वो पोजीशन मैं बड़ी मजबूत देख रहा हूँ आप। अच्छा, पांचवा घर वो बहुत मजबूत है, क्योंकि एक तो पांचवें का लॉर्ड जो है वो नामे पड़ा हुआ है, दूसरा पांच सितारों की नजर जो है वो आपके पांचवें घर पे है, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत अच्छी खबरें आपको औलाद के हवाले से, लव मैरिज के हवाले से, और डिग्री के हवाले से, ऐसी कोई चीज़ें जो होती हैं जो जो पांचवें घर की बनती है, जो रूहानियत उजागर होने लगती है। आप जो बात करते हैं उसमें वजन होता है, लोग आपकी बात गौर से सुनते हैं, आप में एक रूहानियत भी आने लगती है, तो ये एक बहुत अच्छा सिलसिला पांचवें घर के हवाले से बना हुआ है। तो पांचवा घर आपका माशाल्लाह से बहुत बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। इसी तरह जो है वो सातवां घर वो भी थोड़ा सा वीक है, सातवें का लॉर्ड बारहवें पड़ा हुआ है, मंगल और मंगल योग भी बना रहा है, तो लिहाजा मैरिज के हवाले से थोड़ा सा समझ के सूझ बूझ के साथ अगर कोई आप फैसला करेंगे तो वो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि मंगल योग भी बना हुआ है। तो लिहाजा जब भी आप शादी अगर आपने इन दौरान करनी है तो आपने जायचे को मैच ज़रूर करना है, बग़ैर मैचिंग से जायचे के हवाले से अगर आप कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, चूँकि मंगल योग बड़ा कड़क है। मैं मंगल योग का फार्मूला बता देता हूँ कि सितारा मरीख अगर लगन में दूसरे चौथे सातवें आठवें या बारहवें पड़ जाए तो ये मंगल योग होता है, माफ कीजिए, तो ये मंगल योग होता है। तो मंगल योग बना हुआ है तो इसमें शादी के हवाले से तो मैं टॉरस वालों को यही कहूंगा कि थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए मामलात को, और जो कोई शराकती कारोबार या कोई नया कारोबार या बैरून मुल्क के हवाले से अगर कोई आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको उससे भी अवॉइड करना चाहिए। अभी कोई ऐसी सूरत हाल आपके बुर्ज के हवाले से बन नहीं रही, तो लिहाजा आपको थोड़ा सा सोच समझ कर देखभाल के आपको फैसला करना आपके लिए बहुत बहुत मुफीद साबित होगा। इसी तरह आपका जो नावा घर है वो बहुत ताकतवर है, पांच सितारे आपके नावे घर में, अतारत, कमर, मुश्तरी, जुपिटर, सैटर्न, सन, ये नावे घर में पड़े हुए, तो खुश नसीबी का जो घर है वो बहुत ताकतवर आपका बना हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मुल्क से बाहर जाकर अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं या कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपको कामयाबी। किसी कई लोगों के ऐसे काम रुके हुए हैं जो बैरून मुल्क के हवाले से काम रुके हुए हैं, वो अगर इसको जो है ना अंजाम देना चाह रहे हैं, अगर कोशिश करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत कामयाबी मिलेगी। इसी तरह दसवां घर जो है वो भी बहुत ताकतवर है। दसवें का मालिक भी नाम है पड़ा हुआ है, ये भी एक राजयोग होता है, ये बहुत मजबूत राजयोग होता है दसवें का। और ग्यारहवें का मालिक भी नाम है पड़ा हुआ, तो ये बहुत, ये जो सरकार गवर्नमेंट आला होता इसके हवाले से जो भी ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, चूंकि सैटर्न के हवाले से लोग सियासत में भी होते हैं ब्यूरोक्रेसी में भी होते हैं, जो टॉरस वाले लोग हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। ग्यारहवां घर भी मजबूत है और इनका दसवां घर भी मजबूत है और नौवां घर भी मजबूत है, तो दोनों घर जो हैं वो बहुत बहुत ताकतवर बनेंगे। तो इंशाल्लाह आपको बिला झिझक होकर खेलना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, अफसराने वाला का आपको ताउन हासिल रहेगा, मामलात आपके बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी बन रही है। अगर कोई लोग दूसरी शादी के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, कोई ऐसे कोई किसी की पहली शादी ख़राब हो गई, वालों का दूसरी शादी के लिए रिश्ता नहीं मिलता या कोई कोशिश नहीं होती, तो अगर आप कोई कोशिश कर रहे हैं तो उस कोशिश को तेज़ कीजिए ताकि आपको कामयाबी हासिल। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह, और वो दूसरी शादी आपकी जो होगी वो इंतहाई कामयाब होगी। पहली शादी तो खैर वो जो भी हुआ वो है, उसको मैं हम उस बहस में नहीं जाते, लेकिन सेकंड मैरिज जो है वो आपकी बहुत कामयाब है। और इसमें जो दसवां घर है वो बहुत ताकतवर है, दसवें का मालिक नाम है, इसका मतलब है कि जो बड़े अफसरान हैं जो ब्यूरोक्रेसी में, उनकी बैरून मुल्क पोस्टिंग भी हो सकती है, मामला बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। तो इसी तरह इनका लकी नंबर 3, 2, 1 है और इनको सदका देना है सफेद चीज का, और बाकी इंशाल्लाह ताला इनके घर काफी बेहतर है।